दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके के नतीजे लोकसभा चुनावों में इस बार रहे, बेशक इंडिया गठबंधन उतनी सीटें नहीं ला सका कि वो सत्ता में लौट पाता, लेकिन बावजूद इसके जितनी सीटें आई और जितनी मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, उसने जमकर भाजपा को टक्कर दी और भाजपा को अकेले दम पर लोकसभा चुनावों में बहुमत से बहुत नीचे लाकर पटक दिया। लेकिन जिस तरीके का माहौल और उत्साह चुनावों के बाद बना था और लग रहा था कि नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की पार्टी के जो 28 सांसद जीते हैं, यदि वो एनडीए में ना रहें तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन जो भी कारण रहे हों, उन्होंने एनडीए का सदस्य होने के नाते भाजपा को अपना समर्थन दिया, भाजपा को सत्ता में लौटाया, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि इस बार भाजपा मुख्य रूप से नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के बैसाखियों के सहारे सत्ता में खड़ी है, तो ऐसा माना जा रहा था कि ये दोनों नेता लोकसभा चुनावों के बाद नई सरकार में मजबूत मंत्रालय लेंगे और मोदी जी को मजबूर करेंगे कि जैसे कि गृह मंत्रालय है और वित्त मंत्रालय, कम से कम वो उन दोनों को जरूर मिले। गृह मंत्रालय इसलिए कि गृह मंत्रालय के द्वारा ही सारे विपक्षी दलों पर शिकंजा कसा गया, उन पर मुकदमे लगाए गए, उनको जेलों में डाला गया, तो ये गृह मंत्रालय के माध्यम से ही संभव था। यानी गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही ये सारे भूमिकाएं निभाई। दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय के अधीन ईडी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। आप रोल जानते हैं ईडी ने कितना आतंक मचाया है पिछले 5 सालों में, कितने नेताओं के यहां छापे डाले हैं, और जो भाजपा सरकार के अनुकूल रहकर नहीं चले उनको जेल की हवा खानी पड़ी। तो उम्मीद ये की जा रही थी और सारा विपक्ष ये मानकर चल रहा था कि इनको ये दो मंत्रालय अवश्य लेने चाहिए और लेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। तो इससे जो आतंक रहा, तथाकथित आतंक रहा सरकार का, ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गृह मंत्रालय का, जिसके अधीन सारी फोर्सेज होती हैं, पुलिस होती है, तो वो उस आतंक से विपक्षी नेता बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये दो मुद्दे थे। तीसरा मुद्दा था कि लोकसभा स्पीकर नायडू या नीतीश कुमार अपनी पार्टी का रखें, जिससे पिछली बार की संसद की तरह विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़कर भाजपा में ना मिलाया जा सके और जो विपक्षी दल हैं
उनकी किसी भी पार्टी के सांसदों को तोड़कर वो अपना 272 का लक्ष्य पूरा ना कर सकें, यानी भाजपा अपने दम पर सत्ता में ना आ सके, इसलिए स्पीकर का पद भी बहुत जरूरी था। लेकिन दोस्तों, विपक्षी दलों को नायडू और नीतीश कुमार से बहुत निराशा हाथ लगी, ना तो उन्होंने वो मंत्रालय लिए ना ही उन्होंने अपना स्पीकर दिया, और जो ये मानकर चला जा रहा था कि यदि ये तीन काम हो जाते तो पिछली बार की तरह भाजपा विपक्षी दलों पर कथित आतंक ना कर पाती, तोड़फोड़ ना कर पाती, उन्हें जेलों में नहीं डाल पाती। लेकिन जब ये तीनों चीजों में नायडू और नीतीश कुमार फेल हुए तो बहुत निराशा हुई पूरे विपक्ष को, और लगा कि मोदी सरकार शायद पहले वाले रास्ते पर चल सकती है और वो तोड़फोड़ कर सकती है। ऐसा मौका नीतीश कुमार और नायडू ने दे दिया। तो उसके बाद इंडिया गठबंधन ने अपना स्पीकर का नाम रखा सामने, साउथ के सुरेश सांसद हैं, दलित हैं। लेकिन ये तीसरी बार निराशा हुई कि उम्मीदवार तो खड़ा कर दिया लेकिन वोटिंग नहीं कराई गई, और राहुल गांधी नेता विपक्ष और उनको सबकी सहमति रही होगी, बिरला जी को ही सबने अंत में उनको सहमति से लोकसभा स्पीकर चुन लिया। तो इस सारे माहौल से ऐसा लगा कि जो पैनापन था विपक्ष का वो आक्रामक रुख था, या जो विपक्ष को करना चाहिए था, जो नायडू को और नीतीश कुमार को करना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं हुआ, विपक्ष का स्पीकर भी नहीं चुना गया, तो माहौल निराशाजनक सा लगा। लेकिन दोस्तों, ये कुछ निराशा की तो बात है, लेकिन ये तय है कि इस बार आधिकारिक रूप से राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, जिनका ये पदनाम केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है, सारी सुविधाएं, सब कुछ, वेतन आदि जो सुविधाएं, उन्हें सारा कुछ केंद्रीय मंत्री के बराबर मिलता है, और विपक्ष का नेता जो है शैडो पीएम भी कहलाता है। तो वो स्थिति नहीं रहने वाली है, और इस बार ऐसा भी नहीं हो सकेगा कि मोदी जी कभी लोकसभा में आते ही नहीं थे या बहुत कम आते थे, लेकिन अब आधिकारिक रूप से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो सरकार को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और वो ऐसे ऐसे सवाल उठाएंगे कि मोदी जी को चाहे अनचाहे लोकसभा में हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। एक तो ये बहुत बड़ी बात है, तीसरे अब भाजपा के पास सांसदों का 2/3 बहुमत नहीं है या एनडीए का 2/3 बहुमत नहीं है, तो वो अपनी मनपसंद का कोई भी बिल बिना विपक्ष की सहमति के या बहस के पास नहीं करा पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है इस लोकसभा में ये है कि कोई भी बिल पास कराना इस बार भाजपा के लिए, एनडीए सरकार के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में इस बार उतने सदस्य नहीं है जितने कि पिछली लोकसभा में थे,
और जिस तरीके से सैकड़ों सांसदों को पिछली बार भी ओम बिरला जी ने, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर पिछली बार भी थे इस बार भी हैं, लोकसभा से बाहर कर दिया था, राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली गई थी और कुछ ही दिनों में उनका बंगला खाली कर लिया करवा लिया गया था, इस बार वो सब संभव नहीं हो पाएगा। और इसके संकेत राहुल गांधी ने अपने भाषण में दे दिए हैं। यही नहीं, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, शशि थरूर ने संविधान के नाम पर शपथ ली और अपने संबोधन के बाद जय संविधान कहा, और इस तरीके से बड़ी संख्या में संविधान के नाम पर विपक्षी सांसदों ने मतलब शपथ ली है और बाद में अपने संबोधन के बाद जय संविधान कहा है, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है जो मुद्दा कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में उठाया था कि भाजपा सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है, नष्ट कर देना चाहती है, बदल देना चाहती है, उस मुद्दे को उन्होंने इंडिया गठबंधन ने जीवित रखने का काम किया है, जिससे कि दिलो दिमाग पर जनता, देश की जनता के भी और भाजपा सरकार के भी रहे कि ये अपने मुद्दों को छोड़ने वाले नहीं है, जिन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त भाजपा को टक्कर दी है। और इसके अलावा एक और बात हुई, सदन में जब शशि थरूर ने जय संविधान कहा तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने उनको टोका और एक थानेदार वाली सी भाषा में उनको दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका तुरंत विरोध किया गया। रोहतक के सांसद, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खड़े होकर कहा कि जय संविधान बोलना कोई गैर कानूनी नहीं है, संविधान का सम्मान करना गैर कानूनी नहीं है, और हम पांच पांच बार के सांसद हैं चुने हुए, हम जानते हैं क्या कानून है। यानी उनका कहने का तात्पर्य यह था कि जिस तरीके से ओम बिरला जी भारी बहुमत के आधार पर या जो डर के सा माहौल लोकसभा राज्यसभा में था, इस बार वो माहौल नहीं है। जिस तरीके से ओम बिरला जी ने दीपेंद्र जी को धमकाने के लहजे में कहा, तो दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए और लोकसभा का सम्मानित सदस्य होने के नाते उसका जबरदस्त जवाब दिया और ओम बिरला जी कुछ आगे बोल नहीं सके। तो दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन नीतियां बना रहा है, बेशक जो मैंने पीछे मुद्दे मतलब गिनाए उनमें कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन यह भी तय लग रहा है कि पिछली बार की तरह इंडिया गठबंधन भाजपा को भी उनके गलत मंसूबों पर काम नहीं करने देगा, और पिछली बार की तरह भाजपा नेता, भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री मनमानी नहीं कर सकेंगे। और ये जो माहौल बदला है, तो ये कहा जा रहा है कि ये इस बात का द्योतक है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से खड़ा है, और ये भी हो सकता था कि स्पीकर वो अपना चुनाव मतलब अपना चुन लेते, कहीं सेटिंग में गड़बड़ी रही। ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी की नेता, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
का कुछ पता नहीं चलता कि कब वो क्या बोल दें, कब इंडिया को अपना समर्थन घोषित कर दें ना कर दें, वो कब नाराज हो जाएं। तो चूंकि उनकी बड़ी संख्या में सांसद हैं तो पूरी तरीके से संभवतया इंडिया गठबंधन को ये उम्मीद नहीं थी कि कुछ विपक्ष के नेता कहीं गड़बड़ ना कर दें। और यदि जेडीयू और नायडू, नीतीश कुमार जी ये आश्वासन दे देते कि हमारा वो लोकसभा का स्पीकर नहीं चुना गया या हमारी बातें इन्होंने नहीं मानी है और इसलिए भाजपा के अलग जो पार्टियां हैं और जो भाजपा का रवैया रहा है सांसदों को तोड़ना, तो वो इंडिया गठबंधन को अंदर खाने समर्थन दे देते तो वोटिंग होती तो विपक्ष का नेता स्पीकर बन सकता था। लेकिन माना यही जा रहा है कि मजबूरी में विपक्ष को ओम बिरला जी को लोकसभा स्पीकर स्वीकार करना पड़ा। लेकिन हालात पहले से बहुत अलग हैं और ये निश्चित है कि जो पिछला माहौल था वो नहीं रहेगा और हर मुद्दे पर इस बार इंडिया गठबंधन भाजपा को घेरेगा और किसी कीमत पर मनमानी नहीं करने देगा। माना यह भी जा रहा है कि हालात ऐसे होने वाले हैं जो देश में समस्याएं हैं कि अगले 5 साल यदि सरकार चलती है तो इंडिया गठबंधन भाजपा सरकार के नाक में दम किए रहेगा और कहीं कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये भी हालात हो सकते हैं कि मध्यावधि चुनाव की जरूरत पड़ जाए, यानी मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं यदि भाजपा सरकार ने इस बार कोई जाति या ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की तो एनडीए के साथ ही इंडिया गठबंधन का साथ दे सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि जो लोकसभा चुनाव में नया स्पीकर चुना गया और पिछले वाले ओम बिरला जी चुने गए, बेशक भाजपा अपनी अपना स्पीकर लाने में सफल रही लेकिन हालात बदले हुए हैं, विपक्ष भी कमर कसे हुए हैं और किसी भी कीमत पर भाजपा को लोकसभा और राज्यसभा में मनमानी नहीं करने देगा। इतना ये तय हो चुका है जो हमने लोकसभा में मंजर देखा है। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।